आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है कुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों को बिना किसी आमंत्रण के खींचकर इस पवित्र भूमि में ले आता है। स्वागत है आपका पॉपकॉर्न ट्रिप में प्रयागराज में आयोजित कुंभ 2019 से जुड़ी जानकारी देते वीडियो में। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। कुंभ के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके आरंभ होने की कथा यह है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, इसी संघर्ष में जब समुद्र मंथन में अमृत कलश की प्राप्ति हुई, तब असुरों से अमृत छुपाने के क्रम में कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी में कुछ स्थानों में गिरी। वो स्थान है उत्तराखंड स्थित हरिद्वार, उत्तर प्रदेश स्थित प्रयाग, महाराष्ट्र में नासिक और मध्य प्रदेश में उज्जैन। और इन्हीं स्थानों में कुंभ पर्व का आयोजन तिथियों के अनुसार क्रमवार किया जाता है। इसी क्रम में इस बार सफलतापूर्वक भव्य आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख और ऐतिहासिक शहर प्रयागराज के त्रिवेणी के तट पर। त्रिवेणी अर्थात तीन पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम स्थल, जहां पूरी दुनिया से आकर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ज्योतिषी गणना के क्रम में कुंभ का आयोजन चार स्थानों में होता है। उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा तट पर, उत्तर प्रदेश प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर, महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी के तट पर, मध्य प्रदेश उज्जैन में सिप्रा नदी के तट पर। त्रिवेणी संगम में स्नान करते श्रद्धालु, नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद करोड़ों तीर्थयात्रियों के साथ अभूतपूर्व रूप से स्वच्छ मुक्ति प्रदायिनी गंगा में स्नान करने का अनुभव अत्यंत सुखदायक है। यहाँ पूरी भक्तिभाव से श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ के स्वच्छता व अन्य व्यवस्थाएं। कुंभ का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त संत भी इस समय कुंभ स्नान को आते हैं। कुंभ मेला 2019 में 15 जनवरी से 4 मार्च प्रयागराज उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में आयोजित हुआ। प्रयागराज देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज की दूरी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। रुकने और रात्रि विश्राम के लिए यहाँ हर बजट के होटल, रिजॉर्ट्स और धर्मशालाएं हैं। कुंभ पर्व के समय वाहनों की पार्किंग यात्रियों के दबाव के अनुसार कुंभ स्थल से कुछ दूरी पर होती है, जहां से यात्रियों को पैदल चलकर कुंभ स्थल तक पहुंचना होता है। प्रयागराज में आने के बाद यहाँ के दर्शनीय स्थल शंकराचार्य विमान मंडपम, श्रीवेणी माधव संकट मोचन हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर, दशाश्वमेघ मंदिर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आनंद भवन, आजाद पार्क आदि कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कुंभ से जुड़ी विस्तृत जानकारी kumbh.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। कुंभ पर्व के अतिरिक्त पूरे वर्ष प्रयागराज में कभी भी आकर त्रिवेणी स्नान कर पुण्य अर्जित किया जा सकता है। आज यहीं तक, फिर जल्द भेंट होगी पॉपकॉर्न ट्रिप में किसी और स्थान या यात्रा से जुड़ी जानकारी देते वीडियो में। धन्यवाद।